आज अभी मेरे मम्मी और पापा आने वाले, मेरे भैया भाभी, किसी को नहीं पता, साइशा को भी नहीं पता, तो देखेंगे कि भैया का, साइशा का, भाभी का रिएक्शन क्या होगा। गेट टुगेदर, मस्त पार्टी करने, मस्त है एकदम। तो फाइनली गाइस, डोसा खा के मैं घर पे आ चुकी थी एंड उसके बाद मैंने ज्यादा कुछ शूट नहीं किया। एंड जिस सरप्राइज की मैं आपको बात कर रही थी, वो सरप्राइज बहुत खतरनाक है। मतलब जैसे कि जो लोग भी मेरा व्लॉग देखा है उनको पता है कि लाइक मैं बैंगलोर आई थी, तो मैंने मेरे भैया बॉबी को सरप्राइज दिया था। लेकिन वो सरप्राइज ऐसा था कि वो लोग ऑलरेडी पता था कि मैं आने वाली हूँ, बस कब आने वाली वो नहीं पता था। अभी मैं आ रही हूँ वलसाड क्योंकि मेरा एग्जाम है, तो कुछ काम से जाने वाली हूँ। जस्ट आज अभी मेरे मम्मी और पापा आने वाले, तो वो चीज मेरे भैया भाभी किसी को नहीं पता है, साइशा को भी नहीं पता है, और मेन तो भैया को नहीं पता है। तो देखेंगे कि भैया का, साइशा का, भाभी का रिएक्शन क्या होगा मम्मी पापा को देख के। मम्मी पापा भी बस कुछ ही देर में आ रहे हैं, उनका फोन है 5 मिनट में आ रहे, तो बस देखेंगे कि ये रिएक्शन क्या होगा। ये रिएक्शन में मैं कब से एक्साइटेड हूँ, इतने दिनों से भी मेरे हार्ट बीट फास्ट हो गए। बस देखते हैं रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि मेरे भैया भाभी सोए हुए हैं। हमारा प्लान है कि मम्मी पापा को मैं बुला के बेडरूम में घुसर दूंगी, और उसके बाद वो लोग को, मम्मी भैया को बोलूंगी भैया आपसे कोई पता नहीं आया है कोई काम से मिलने के लिए, ऐसा करके करेंगे, देखते क्या रिएक्शन होगा। तो गाइस, बस कुछ ही देर मम्मी पापा ऊपर आने वाले, मेरे इतने ज्यादा हार्ट बीट फास्ट हो गई, मतलब मम्मी पापा आया और तो भी भैया बाहर ना जो सरप्राइज खराब हो जाए, पता नहीं कब आएंगे फटाफट। तो गाइस, अभी मम्मी पापा आ चुके हैं, ये दोनों ये रहे, इनको मैंने छुपके से बेडरूम में बिठा दिया है। गजब टूबी आ जाती है। भैया को नहीं पता कि मम्मी पापा आ चुके हैं, भैया अपने बेडरूम में सो रहा है, गेट बंद है अंदर से। तो जैसे ही भैया आएगा तो देखेंगे सरप्राइज में, भैया को कॉल करके बोलाऊंगी कि भैया 2 मिनट बेडरूम में आओ। तो गाइस, मैंने भैया को फोन कर दिया, भैया थोड़ी देर में आएंगे तब देखते हैं रिएक्शन। पापा मम्मी बैठे हुए हैं ऐसे, A few minutes later. साइशो कौन आया? कॉल से कब जाने की मना कर रहे थे आज? नहीं ऐसा कुछ। गाइस, ये देखो साइशु जा रही है दादी के पास, तो कितना शलमा ली है। शलमिली बाबू कौन आया? तो गाइस, मम्मी साइशु के लिए गिफ्ट लेके आई है, तो देखते हैं। तो साइशा ने बोला थैंक यू, वेलकम। तो साइशु गिफ्ट खोलेगा अभी। ओहो, चायू, योर ओपनिंग गिफ्ट, माय गिफ्ट, इट्स माय गिफ्ट। ओहो, सी एक्सप्रेशन तो देखो। ओह वाह, पापा,
तो साईशा ने पहली बार खुद से गिफ्ट खोला है, वरना तो हमको दे देती थी खोलने के लिए, अभी खुद ही खोल दिया इस बार का। यहाँ से खोलो, इधर से खोलो, इधर से उसको थोड़ा सा खोल के दे दो। तो गाइस साईशु ये पर्स में लेके घूमी घूमी करने जा रही है। कहाँ जा रहे हो घूमी घूमी करने? शाबाश। शॉपिंग करने किधर? अरे कहना क्या चाहते हो? मनी के पैसे चे। तो गाइस उसके पर्स में पैसे है, इसके लिए साईशु जा रही है शॉपिंग करने मॉल में। साईशु कौन आया? कौन आया है? थैंक यू। तो गाइस आप सभी ने रिएक्शन तो देखा। रिएक्शन में कैसा था कि मेरा भाई जस्ट सो के उठा था, तो भैया को ऐसा लगा, भैया ने बाद में बोला कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा कि मतलब मम्मी पापा सच में बैठे हैं, बोलते मेरे को भूत वूत तो नहीं देखा, कोई भूत तो नहीं आ गया यहाँ पे, तो भैया को लगा कि सपना देख रहा हूँ ऐसा करके। फिर भैया का जो असली रिएक्शन था वो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई, तब मेरा कैमरा बंद था। और बॉनी का मेरे जो भाभी उन्होंने बहुत खतरनाक रिएक्शन दिया, और साईशु भी नींद में उठी थी, उनका रिएक्शन थोड़ा ऐसा था, बट सब लोग बहुत ज्यादा खुश है। एंड अभी हम लोग आ चुके हैं BLR ब्लूम को, मैं बहुत बार आई हुई हूँ इधर, हम लोग आए गेट टुगेदर मस्त पार्टी करने को। चलो फटाफट चलते हैं BLR ब्रूइंग को में। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग BLR ब्रूइंग को आ चुके हैं। यहाँ का ब्लॉग मैंने ऑलमोस्ट 2 या 3 बार बनाया है, के लिए मैं बहुत डिटेल में ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, बट फिर भी इसका जो लोकेशन रहेगा वो मेंशन रहेगा। एंड यहाँ की फूड का तो मैं ऑलरेडी रिव्यू बता चुकी हूँ, तो ये बस अभी फिलहाल मैं जो खा रही हूँ आधी आधी चीजें बता रही हूँ, मैं प्रॉपर नहीं बता रही हूँ। तो गाइस ये लोग ने सब कुछ सिस्टम चेंज कर दिया है, हम लोग ने ये चिकन लेग पीस मंगाया है, तो ये गाइस ये लोग ने पूरा गर्म पूरा तंदूर में दिया है, ताकि वो जब लेके आए ना तो वो ठंडा ना हो, पूरा गर्म रहे ऐसा दिया है। गाइस ये हमने क्रिस्पी कॉर्न ऑर्डर किया है, मतलब भाई जो सजाया है ना एकदम वर्थ इट है, मतलब मस्त है एकदम। हमने अभी और भी चीजें खाई, जैसे कि हमने की चिकन मंगाया, इसका जो टेस्ट है हमें बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फूड का मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं बहुत बार बता चुकी हूँ BLR ब्रूइंग का टेस्ट अच्छा है। तो फाइनली गाइस हम लोग BLR ब्रूइंग को से आ चुके हैं, और गाइस आज का ब्लॉग बहुत सही था, मतलब रामेश्वरम कैफे हमें जरूर ट्राई करना चाहिए, रामेश्वरम कैफे और BLR ब्रूइंग को का, दोनों का लोकेशन मेंशन रहेगा। एंड इसी से बैंगलोर की मेरी जर्नी खत्म होती है। अब आपको जो नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा वो आपको मेरी 30 आवर्स ट्रेन जर्नी का ब्लॉग मिलने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। देखेंगे कि मैं 30 आवर्स की जर्नी कैसी रहेगी ट्रेन की। मैं कल विदा लूंगी, मतलब यहाँ से बैंगलोर टू जाऊंगी वलसाड टू, उसका ब्लॉग रहेगा। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग हम यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।